अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एट द रेट ऑफ प्रोफेसर एलिस के अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है और आज मुझे सबसे पहले एल्सा ने उठा दिया आके। वैसे तो मैंने और सुना था थोड़े, मगर एल्सा ने आके सबसे पहले एल्सा ने मुझे उठाया है। ये क्रेडिट आज जाता है वो एल्सा को जाता है, और एक दो काम थे वो मैंने आज करने हैं। अच्छा हो गया, इसलिए से मैंने टाइम से उठा दिया। और अभी सबसे पहले मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, और मैंने कहा इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, और खेलने के बाद फिर पानी पीते हैं। और ये हमारे घर की जो लाडली है ना, ये कहती है कि भाई आज और कोई काम ना करो, काम के बंदे नहीं हो तुम, आगे सिर्फ मेरे से खेलो। और हाँ, वैसे मेरा कोई काम नहीं है, काम का बंदा नहीं हूँ मैं। खैर, उसके बाद मैंने कहा चलें अब जाके पानी पी लेते हैं, और पानी पीने के लिए मैं किचन में गया हूँ। यकीन करें, जो लड़के हैं ना, कहते हैं लड़कों को क्या काम होता है, भाई लड़के कोई काम नहीं करते। और यकीन करें, लड़कों को 100 काम होते हैं। धनिया ला दो, दही ला दो, पुदीना ला दो, अदरक ला दो, और फिर रहते होते कि भाई पानी ले आओ, पानी वाली केन ख़त्म हो गई है, जाके फिल्टर से पानी भर लो। खैर, पानी पीने के बाद मैं आया हूँ, तो मैंने देखा है एल्सा अभी तक बेड पे मौजूद थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसके साथ और खेल लिया जाए, और लो जी ये लेट गई है। अच्छा जी, अब इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, क्योंकि ये खेलने वाली चीज़ है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के लिए दही खा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास गैस का बड़ा इशू है, तो गैस 11:30 आनी है। तब तक कैसे करते हैं, दही खा लेते हैं, ये ना सर में दर्द होना शुरू हो जाए, भूख लगी हुई है। तो फिर मैंने सबसे पहले तो दही में ना चीनी डाली है, और डालने के बाद मैंने कहा चीनी थोड़ी डालें, वैसे मैं ज़्यादा डालता हूँ, आपके लिए कम डाली है, ताकि आप देखें तो कम ही डाला करें। शुगर की बीमारी आम है, इसलिए जो शुगर है उसका इस्तेमाल कम कर दें, वरना आप भी शुगर के पेशेंट बन जाएंगे, और बस फिर सारी उम्र वही इंसुलिन लगाना, ये भी बहुत बड़ा अजाब है। जी आज बाल हो गए मेरे काफ़ी बड़े, तो सोचा मैं अपनी कटिंग करवा लेता हूँ, और साथ में एल्सा की भी कटिंग करवा लेते हैं। तो आगे रमज़ान आ रहा है, ठीक है, तो आज संडे है, और संडे वैसे भी फ्री है, तो इसलिए लेट उठे हैं हम। एल्सा मेरे पास है, इसकी भी कटिंग करवाते हैं, इससे पूछते हैं। और ये जो तुम्हारी है ना बैल, ये उतर जाएगी जब कटिंग होगी, ठीक है। एल्सा और इतने में हम रखा दूध वाला भी आ गया। आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो एल्सा है ना, ये अक्सर अंदर बैठी होती है और बाहर चिड़िया देख लेती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, चिड़िया दीवार पे बैठी है या गेट पे बैठी हुई होती है ना, तो एल्सा अंदर बैठ के भाई उसे देख रही होती है कि एक बार तुम मेरे हाथ ही चढ़ जाओ, मैं अब नहीं छोड़ूंगी। तो ये देख रही थी, मैंने उसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रही हो, तो मुझे बताती तुम भी आ जाओ। लो जी, अब मैंने अपनी फरारी निकाली है, और ये फरारी को किया है स्टार्ट। मतलब स्टार्ट करना पड़ता है भाई, मानते हैं आपकी कीलेस गाड़ियां हैं, उसमें आप भाई फौरन बटन दबाते हैं, ये भी बटन मैंने ऑन किया है, बस ये चाबी डालनी पड़ती है पुरानी वाली है, लेकिन है मेरी भाई फरारी, ठीक है। और इसमें 2 लीटर पेट्रोल डलवा लूँ ना, मैं पूरा हफ्ता मेरा सुकून से गुजरता है, और आप रोज़ जाके पेट्रोल पम्प में खड़े होते हैं। खैर, फरारी को हमने लिया और लेके चल पड़े हैं जी हेयर कट करवाने, और आज हम हेयर कट करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, फिर अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान से पहले हेयर कट करवा लिया जाए, ताकि रमज़ान में कहीं जाना ना ही पड़े, तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, पार्क इज़ ऑसम, हमारा ये वाला सोसाइटी का पार्क है, और रोड पे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आज संडे है, यूनिवर्सिटी बंद है आपके सामने, और रोड सारा खाली है। मैं बाबर
के पास आया हूँ और बार्बर के पास तो इंतहा का रश लगा हुआ था। यहाँ जो बंदे बैठे हुए थे मैंने कहा उसकी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब होना, तो उनको नहीं बनाया लेकिन ये बनाया। और यहाँ पे जब हम मैच देख रहे थे तो यकीन करें यहाँ पे जी वसीम ने कैच छोड़ दिया और शिदाब उसे शाबाश दे रहा है, कोई मसला नहीं, ये हमारी रोज़ की कुत्ते खानी है और आज अगर हो गया तो क्या हो गया, ये हमारा रोज़ का काम है भाई, ये देखे कैच छोड़ है। और उसके बाद मैंने कट करवा लिया आखिर, और ये देखें कटिंग चेक करें, मैंने कहा आप लोगों को दिखाई दें फिर कटिंग के लिहाज से, तो भाई ये बार्बर वन ऑफ द बेस्ट बार्बर है, ठीक है, मुनासिब भी और अच्छा भी है। और मैं वैसे इसी के पास आता हूँ कंटिन्यूसली, मुझे 2 साल हो गए हैं, साल चलो हो गया है, लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ। और फिर जब घर आया हूँ तो घर आने के बाद मौसम देखा है, व्यूअर्स मौसम इज ऑसम, बहुत प्यारा मौसम है, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। और तीसरी मंजिल पे हूँ तो हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही है और वैसे तो मौसम बहुत ऑसम है। फिर ये हम सायों के घर से आई थी मैंचूरियन, मैंने कहा आपको भी दिखाएं, खिलाएं तो नहीं लेकिन दिखा तो सकते हैं ना। और आखिर वो वक्त आ गया, ये देखें अब हम अपनी अल्सा को लेके जा रहे हैं कटिंग के लिए, इसको पता नहीं है। और ये देखें बास्केट पे आने लगी है, आज जो अल्सा बास्केट में, ये अल्सा बास्केट में आ गई है और अब इसको पता नहीं है क्योंकि हमने इसको पकड़ लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करवाने जा रहे हैं, जी हाँ इसको अब हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। और डॉक्टर के पास जाने के बाद इस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आज हमने इसे बेहोश करवाना है और उसके बाद इसकी कटिंग करवानी है। लास्ट टाइम हमने इसे बेहोश नहीं करवाया था और ये डॉक्टर को पड़ गई थी, ठीक है। अब हम नहीं चाहते कि कोई केस हो जाए, डॉक्टर इस पर FIR करवा दे कि भाई मुझे अल्सा पड़ गई है, ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसे बेहोश करवाएंगे। बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं मोम आपने मुझे नहीं दिए, यहाँ पड़े हैं वो ले लेंगे। नहीं मुझे किसी ने नहीं पकड़ाया, मुझे दो बके मर जाते।
मेरे को पैसे है क्या, मैं दे देनी है, मैं क्या ना मम्मा ये बच्चा बहुत अमीर है, उसके पास पैसे है वो दे देगा। अमीर बहन है आपकी, नहीं हमें चाहिए, वो अंबानी की शादी से आई है, हमने वहाँ रखे थे वो अंबानी की। ये 500 है, 500 नहीं हम। ये डॉक्टर का क्लिनिक है और ये डॉक्टर साहब बहुत नाइस पर्सन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर आसम के क्लिनिक ज़रूर आएँ। आप एक बार आएंगे तो आप उनसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे नाइस पर्सन है। और मैं इन्हीं के पास आता हूं और ये अब हमारी एल्सा की ट्रिमिंग हो गई है स्टार्ट, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके हमने ट्रिमिंग स्टार्ट करवा दी, इसे बेहोश किया हुआ है। और अगर हम इसे बेहोश ना करते अभी तक ये हमारी ट्रिमिंग कर देती, इसलिए हम इसे बेहोश किया और अब इसकी ट्रिमिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली ट्रिमिंग वगैरह इसकी हम करवा रहे हैं। और ट्रिमिंग इसलिए भी ज़रूरी है व्यूअर्स के, जब गर्मियाँ आती है ना तो अगर आपके पास इस तरह का कैट है जिसकी पर्शियन ब्रीड है, हमारे पास ये ट्रिपल कोटेड कैट है और ये ट्रिपल कोटेड पेट है हमारे पास और ये हमारे पास पर्शियन ब्रीड है, तो अगर देखा जाए तो जब गर्मियाँ आती हैं तो इनके जो फर वगैरह हैं उनकी वजह से इनको ना गर्मी बहुत महसूस होती है। इनको 24 घंटे आपको AC लगा के देना पड़ेगा और जिस तरह बिजली के हालात हैं व्यूअर्स, मैं कहता हूँ आप अपने लिए पंखा नहीं लगा सकते तो फिर AC चले। उसके बाद हमें यहाँ पिज़्ज़ा वाला नज़र आया तो मैंने कहा क्यों ना इसका पिज़्ज़ा ट्राई किया जाए। व्यूअर्स इसके पिज़्ज़े बनाने का स्टाइल चेक करें। और व्यूअर्स मैंने इसका पिज़्ज़ा खा के देखा, यकीन करें ऑसम। मैं कहता हूँ ठीक है भाई तुम लोग जाके अलमायदा बैठ के खा रहे हो तो 1400 वाला, बट इसमें मेरे व्यूज़ ऑसम है। मैं इसको आउट ऑफ 5 दूंगा बिकॉज रेट के लिहाज से इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी मुनासिब हैं और बहुत ज़्यादा ऑसम है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, मैं कहता हूँ आपको, मैं रिकमेंड करूँ आप एक बार आएँ। जब आप कमर्शियल एरिया, तो ये कमर्शियल एरिया खड़ा होता है रफ़ी कमर रोड के साथ कॉर्नर पर, अब यहाँ आएँ और इससे पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। अपनी जगह, बट अगर ये आपको 700 का 850 का अगर दे रहे हैं तो ये अच्छा है। अब खा के देखें, नॉट बैड, रीजनेबल है, खा सकते हैं आप लोग, आप रिग्रेट नहीं फील करेंगे खाने के बाद, बहुत टेस्टी है। और awesome।